बॉलीवुड के लोकप्रिय गीतकार माया गोविंद ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। माया गोविंद लंबे समय से जिंदगी की लड़ाई लड़ रही थी। अफसोस, गुरुवार को माया जिंदगी की ये जंग हार गईं और 80 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। गीतकार के निधन से हिंदी सिनेमा में शोक की लहर दौड़ गई है। ऐसे में हर कोई उनकी आत्मा की शांति की कामना कर रहा है। 80 साल की माया गोविंद ने अपने करियर में लगभग 350 से ज्यादा फिल्मों के लिए गाने लिखे थे। माया गोविंदा फिल्म इंडस्ट्री की एकमात्र ऐसी गीतकार थी जिन्होंने फिल्मों और टीवी धारावाहिकों के लिए गानों के अलावा कई किताबें भी लिखी हैं। हिंदी सिनेमा में उन्होंने अपने टैलेंट से लोगों के दिलों में एक अलग जगह बना ली थी जो अब हमेशा खालती रहेगी। माया गोविंद ने उनका फर्स्ट ब्रेक निर्माता निर्देशक आत्माराम ने अपनी फिल्म आरोप में दिया था। पहले ब्रेक में ही माया ने साबित कर दिया था कि वो लिरिक्स के मामले में बाकियों से काफी अलग हैं। 1969 में सावन को आने दो फिल्म के कजरे की बाती में माया गोविंद को खूब लोकप्रियता दिलाई थी। इसके बाद उन्होंने आंखों में बस हो तो, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मेरी मेरी प्रेम कहानी और रानी चेहरे वाले जैसे कई सदाबहार गाने लिखकर म्यूजिक लवर्स को कुछ नया सुनने का मौका दिया। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि माया ने टीवी की दुनिया में भी अपने टैलेंट का जलवा दिखाया और महाभारत जैसे यादगार सीरियल के लिए गीत, दोहे और छंद लिखे। इसके अलावा उन्होंने विष्णु पुराण, किस्मत, द्रौपदी और आप भी थी जैसे सीरियल में अपनी लेखनी का हुनर दिखाया। रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को 3 बजे के बाद उनका अंतिम संस्कार पवन हंस विले पार्ले वेस्ट में किया जाएगा। माया गोविंद जैसे गीतकार को खोना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान है जिसकी भरपाई कर पाना बेहद मुश्किल है। तो दोस्तों, आप इस बेहतरीन गायिका के लिए कमेंट बॉक्स में RIP लिखना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।